A circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 cm, 10 cm and 12 cm as shown in figure. Find AD, BE and CF. तो ये जो क्वेश्चन है हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो साइड्स हैं वो हमें क्लियर नहीं बता रखी हैं कि ये AB है या इसको हम लोग AB माने या इसको माने, तो अपनी मर्जी से हम लोग किसी को भी यहाँ पे मान सकते हैं. तो मान लीजिए कि मैं AB, जैसे कि सिंपल फॉर्म में जैसे मानते हैं, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और CA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं. अब इसको दो तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. AD को मान लीजिए कि मैं X मान लेता हूँ, ये है अपना X, तो पूरा AB जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो बच गया वो कितना होगा अपने पास, 8 माइनस एक्स, यानी 8 पूरा था उसमें से ये वाला पार्ट X है, तो जो बच गया वो 8 माइनस एक्स है. अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से ये जो टेंजेंट बनी है उसी के इक्वल बी ई भी होगी, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा अपना 8 माइनस एक्स. लेकिन बी सी जो है वो कितनी है, 10 है, तो 10 में से हम लोग इस वाले पार्ट को माइनस कर दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी 10 में से हम लोग माइनस करेंगे 8 माइनस एक्स को. तो 10 में से जब 8 माइनस एक्स को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, यानी 2 प्लस एक्स आ गया. तो ये जो पार्ट है वो हो गया अपने पास 2 प्लस एक्स. अब यहाँ से ये टेंजेंट है और ये वाली भी टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स. तो ये जो पार्ट है अब पूरा ए सी कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 में से ये वाला पार्ट पता है, इसको पता करना है, तो 12 में से माइनस कर लेंगे 2 प्लस एक्स को. जब 2 प्लस एक्स को माइनस करेंगे तो ये 12 माइनस 2 और माइनस एक्स, यानी कि अपने पास आ जाएगा 10 माइनस एक्स. तो ये जो पार्ट है वो आ गया 10 माइनस एक्स. लेकिन हमें पता है कि जो ए डी है वो इक्वल होगी ए एफ के, ए डी इक्वल होगी किसके, ए एफ के, क्योंकि टेंजेंट्स है दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से. तो जो एक्स है वो इक्वल होगा 10 माइनस एक्स के. एक्स को इधर ले आएँ तो ये 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. और x हमने माना था AD को, तो इस तरीके से हमें एक तो AD फाइंड करना था जो कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. बात करते हैं BE की, तो BE जो है वो अपने पास आ गया ये वाला पार्ट BE 8 माइनस एक्स. तो 8 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता है 5 है, एक्स की वैल्यू 5 आई थी यहाँ पे, 8 माइनस 5, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. इसी तरीके से हमें CF फाइंड करना है, तो CF इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो CF है वो 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स, तो 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. दूसरा तरीका जो था उसमें हम लोग उसमें भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमें बस सिंपल तरीके से चलना था. दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, मान लीजिए ये आपने x माना तो ये वाला आप लोग y मान सकते हैं इस तरीके से, और ये x है तो ये भी क्या होगा अपने पास x होगा, ये दूसरे वाले तरीके की बात होगी. और यहाँ पे हमने इसको y माना तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसको आप लोग z मान लेंगे तो ये वाला भी क्या होगा आपके पास, z हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें मानना था. तो ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई. ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, जिसकी वैल्यू हमें पता है, ए बी हमने 8 सेंटीमीटर माना था यहाँ पे. इसी तरीके से BC की बात करें तो BC इक्वल टू अपने पास आ जाएगा y प्लस जेड, और जिसकी भी हमें वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर. इसी तरीके से CA जो है, CA की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस जेड या जेड प्लस एक्स, जैसा भी आप लोग लिखना चाहें, जो कि है 12 सेंटीमीटर. तो ये दूसरा तरीका था. इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर लेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स और एक्स 2x आ जाएगा, वाई भी कितने बार प्लस हो जाएगा 2y, और जेड भी कितना हो जाएगा 2z. तो ये LHS पार्ट प्लस हो गया, और इधर RHS की बात करेंगे तो अपने पास इन सभी को प्लस, 12 और 8 कितना हो गया 20 और 10 30, तो 30 आ जाएगा. तो सभी के अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पर अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इधर बच गया इक्वल टू 30. तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 से डिवाइड करने पर 15. तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई. अब हमें पता है कि x प्लस वाई 8 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखूँगा, 8 लिखूँगा, और प्लस के अंदर z इक्वल टू 15. तो z की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 15 में से माइनस करेंगे 8 को, तो अपने पास आ जाएगा 7. और आप लोग देख सकते हैं कि हमने z क्या माना है यहाँ पे, CF, और CF हमें फाइंड करना था, और जो हमने पहले फाइंड किया था CF कितना था, 7 ही था, और अब भी कितना आ गया अपने पास, z का मतलब CF, और जो कि आ गया 7. इसी तरीके से आप लोग y प्लस z लिखेंगे, इसके अंदर y प्लस z 10 है, तो अपने पास ये है x प्लस, तो y प्लस जेड की जगह 10 लिखेंगे इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 10, यानी कि आ गया 5 सेंटीमीटर. और x हमने किसको माना है, AD को माना है डायग्राम के अकॉर्डिंग, AD को हमने x माना, और AD पहले भी कितना आया था, 5 आया था, और अब भी कितना आ गया, 5 आ गया.
इसी तरीके से बात करें, लास्ट वाला जेड प्लस एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास वाई है, वाई प्लस, अब एक्स प्लस जेड भी इसके अंदर है तो एक्स प्लस जेड की जगह 12 लिख सकते हैं, इक्वल टू के अंदर 15 है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और वाई हमने किसको माना था, हमें बी ई की वैल्यू चाहिए थी और बी ई क्या है, वाई है। तो ये बी ई कितना आ जाएगा अपने पास, 3 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम वही पहले वाले आंसर्स अपने पास आ गए। तो उम्मीद आप लोगों को दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।